हेलो क्लास, जो अपना अगला लेक्चर है बच्चों, लेक्चर नंबर 59, चैप्टर वही है अपना फ्रांसीसी क्रांति वाला। कल जो हमने शुरुआत की थी कि फ्रांसीसी क्रांति कहाँ पर हुई और उसकी वजह क्या थी, कारण क्या थे, वहाँ पे ऐसी क्या परिस्थितियां बनी, तो कल हमने बात की थी कि फ्रांस में राजाओं का शासन था, राजशाही थी, पर राजशाही बच्चों निरंकुश उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें एक ही व्यक्ति का जो है सर्वे सर्वा होता है वो, और उसी के आदेश कानून बन जाते हैं और वो जनता पे जो है मनमाने तरीके से शासन करता है, जनता को अधिकार नहीं होते हैं और एक तरह से एक अत्याचारी शासन व्यवस्था होती है, सेना के दम पे, ताकत के दम पे, हथियारों के दम पर जो है नागरिकों को जो है इनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं और राजा अपनी मनमर्जी वहां पर करता है। तो फ्रांस में बच्चे यही स्थिति थी उस समय। लुई जो 16वां, ठीक है, वो जब गद्दी पे बैठा तो उससे पहले लुई 15वें के समय से क्या है कि कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि देश की स्थिति जो है बहुत ज्यादा पतन की ओर पहुंच चुकी थी, राजकोष खाली हो चुका था, ठीक है, और जब ये राजा बना लुई तो इसने भी जो है इसको ऐसी स्थितियां मिली, पर इसके खुद की जो है खर्चे बहुत ज्यादा थे, इसकी शादी जो है विवाह जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से हुआ था और इन्होंने बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची की, जनता से इनको कोई लेना देना नहीं था, जनता के अधिकारों का कोई इनको सुनवाई नहीं थी इनसे, और जनता की मांगों को ध्यान नहीं देना, और इतना ज्यादा विलासीपूर्ण जीवन, एक तरह से भ्रष्ट आक्रमण्य, इस तरह से बहुत सारी जो है इन लोग को जनता ने पदवियां दी थी, जो इनका शासन वहां पर बहुत ज्यादा अपन कह सकते हैं खराब शासन जिसको हम कह सकते हैं। तो ये जो क्रांति हुई उसके पहले अपन बात करते हैं, ये जो 18वीं सदी की बात चल रही है, उस समय जो विभिन्न देश थे वो अलग 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 स्वतंत्र शासक के रूप में थे, जिनका अपना स्वतंत्र शासन था, उसी में फ्रांस भी था, और जब यहाँ पे क्रांति हुई तो इस क्रांति ने पूरी दुनिया के लिए एक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के रूप में अपना असर दिखाया, और यहाँ पे इसका असर क्या हुआ कि निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करके सत्ता जो है वो फ्रांसीसियों को दे दी गई, मतलब वहां पे अब एक ऐसा राजतंत्र आया या ऐसा उसकी स्थापना हुई जो कानून के आधार पर, संविधान के आधार पर बनाया गया। अब ये जो क्रांति का आरंभ हुआ था बच्चों, इसके पीछे कारण क्या थे, पहले हमने उस पर चर्चा की थी, आज हम फिर से देख लेते हैं कारण क्या थे, कि एक तो जनता पे मनमाने कर, धार्मिक कर तक सब लगा दिए गए थे और जनता जो एक तरह से जनसंख्या वृद्धि के कारण बहुत जूझ रही थी, रोजी रोटी की समस्या थी, ठीक है, खाने के लिए भोजन की वहां समस्या हो रही थी, कीमतें बहुत ज्यादा ऊंची हो गई थी, उनके पहुंच से बाहर हो गई थी, उनके सामर्थ्य से बाहर से हो गई थी चीजें खरीदना, तो इसके ऊपर भी इनके ऊपर कर लगा दिए गए थे। कर जो है जो 3 स्टेट में यहाँ पर जो समाज बटा हुआ था उसमें पहले में पादरी वर्ग जो चर्च के होते हैं, दूसरे में जो अमीर वर्ग है, तीसरे वर्ग में ये सामान्य वर्ग के जो लोग आ रहे थे जो धीरे धीरे शिक्षित हो रहे थे, तो वो इस व्यवस्था से नाराज थे क्योंकि पहले दूसरे वर्ग के लोगों को कर नहीं देना पड़ता था, सारे कर किसके ऊपर थोप रखे थे, तृतीय वर्ग के ऊपर, जैसे व्यवसायी थे, व्यापारी थे, महिलाएं हैं, ठीक है, नौकरी पेशा लोग हैं, इस तरह के जो दुकानदार हैं, ऐसे लोग जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, तो इनके ऊपर जो है बहुत ज्यादा कर थोप दिए गए। तो अब ये वर्ग जो है बच्चे धीरे 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 शिक्षित भी हो रहा था, तो अब इसको अपने बारे में समझ में स्थिति आ रही थी कि हमसे ही कर जो लिया जा रहा है, इन लोगों से कर नहीं लिया जा रहा है, तो वो समानता की जो इच्छा रख रहे थे कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। अमरीकी युद्ध में हस्तक्षेप हो रहा था ब्रिटेन के खिलाफ फ्रांस में, इसकी वजह से भी क्या सैन्य कर बहुत ज्यादा पैसा खर्च चुके थे, तो राजकोष भी क्या हो रहा था, खाली हो रहा था, कम वेतन लोगों को मिल रहा था, वेतन दिया नहीं जा रहा था, महिलाओं को तो बहुत कम दिया जा रहा था, महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता था, जबकि महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था क्योंकि घर घर से उन्हीं को चलानी पड़ती थी, जनसंख्या वृद्धि हो रही थी तो सारी समस्याएं सामने आ रही थी, वहां पे जो भोजन है वो बहुत ज्यादा कम हो गया था, कीमतें ज्यादा बढ़ गई थी उसकी, और इसके बीच में जो एक नया मध्यम वर्ग जो अपन तृतीय वर्ग कहते हैं उभर रहा था, तो उसका कहना था कि विशेष अधिकार के आधार पर जो है पद ना दिए जाए, समानता रखी जाए, योग्यता के आधार पर जो है लोगों को अधिकार दिए जाए, तो उसकी इन्होंने मांग की। और फिर विचारकों का योगदान भी था, विचारक जो है अपने विचार प्रकट कर रहे थे, दार्शनिक, तो उसकी वजह से भी वो समानता, भ्रातृत्व, भाईचारे, बंधुता, इनकी बातों पर अधिक
जो है अपना विचार रख रहे थे उससे भी जनता क्या थी प्रभावित हो रही थी। तो इसी बीच क्या हुआ कि अगर इस पर कारण तो देख ही रहे कुछ राजनीतिक कारण में क्या है कि यहाँ के जो प्रतिनिधि मतलब जो प्रतिनिधि थी यहाँ की जो जनता थी उसने अपने प्रतिनिधियों के साथ मिलकर के एक राष्ट्रीय सभा का जो है निर्माण करने के लिए जो है कोशिश की। और इस राष्ट्रीय महासभा ने क्या किया कि कुछ प्रस्ताव जो तृतीय वर्ग के द्वारा जो राष्ट्रीय महासभा आई उसने कुछ प्रस्ताव रखे। एक तो उसने कहा कि ये जो विशेषाधिकार मिले क्योंकि तृतीय वर्ग ने ये देखा कि ये पादरी वर्ग है कुलीन वर्ग है इनको तो जन्मजात ही विशेषता मिली हुई है जन्मजात मतलब इस वर्ग में ये पैदा हुए तो इनको जन्म से विशेषाधिकार मिले तो ये विशेषाधिकार की समाप्ति होनी चाहिए जन्म के आधार पर नहीं योग्यता के आधार पर विशेषाधिकार मिलने चाहिए। तो इन्होंने कहा विशेषाधिकार समाप्त किया जैसा प्रस्ताव लाने की बात हुई और नागरिकों के अधिकारों को जो है सौंपा जाए उनको नागरिकों का अधिकार दिए जाए समानता दी जाए इसकी भी घोषणा करने की बात हुई। समानता का कानून लाने की बात हुई और राजा जो है पहले मनमाने जो ढंग से कानून बना दिया करता था अब अगर वो उनके पास कोई कानून बनने के लिए आता है राजा अगर मनमानी अभी भी करता है हस्ताक्षर नहीं करता है ठीक है। और उसके बाद भी वहां की जो विधानसभा है उससे दो तीन बार पारित होने के बाद ही कानून बनेगा मतलब 17 से जो कई स्टेप में काम होगा उसके बाद ही कोई कानून बनेगा। चर्च के कर लेने पर रोक लगा दी गई चर्च जनाब शनाब कर वसूल कर रहा था कल में बात की थी टाइट कर जो है तो इस कर पर रोक लगा दी गई और एक समान शासन व्यवस्था की बात वहां पर की जा रही थी। तो ये जब क्रांति की बात हुई तो जनता जो इतनी ज्यादा क्रोध में आ गई थी क्योंकि राजा ने क्या किया कि 14 जुलाई को 1789 में उनको पेरिस में सेना की टुकड़ियां भेज दी तो जनता और क्रुद्ध हो गई। जनता ने अपने स्वयं की टुकड़ियां बना ली ठीक है और सेना के खिलाफ जो है वो खड़ी हो गई और वहां पे जो बादशाह का किला था निरंकुश राजा का वहां पे उन्होंने धावा बोल दिया ठीक है और लुई को वहां से भागना पड़ा फिर बाद में लुई को जो है फांसी दे दी गई थी। तो इस तरह से वहां पर ये काम हुआ कहीं कहीं ये भी जिक्र है कि लुई सोलह का जैसे काट लिया गया था जो भी तो वहां पर इस तरह का जो बाद में डिसीजन किया गया। तो ये जो इस तरह से वहां पर स्थितियां बनी जो जनता ने वहां पर अपना आक्रोश दिखाया तो ये जो क्रांति इस क्रांति का असर दुनिया भर में हुआ। तो क्या असर हुआ इसका एक तो पुनर्जागरण का प्रसार हुआ जनता पुनर्जागृत हुई ठीक है अपने अधिकारों को पहचानने लगी जिससे पूरी दुनिया के अधिकार जो थे नागरिकों के उसको बात मतलब सौंपने की होने लगी और जो आम नागरिक होता है उसमें हिम्मत आ गई थी राजशाही के खिलाफ जाने की। अभी तक जो राजाओं के शोषण के नीचे दबे हुए थे उनको जो हिम्मत आ गई थी राजशाही के खिलाफ जाने की उसका पतन करने की। अन्य देशों में भी अब गणतंत्र स्थापना की बात होने लगी थी राजशाही को समाप्त करके और गणतंत्र की और वर्ग भेद है महिला सशक्तिकरण है इसके लिए वहां पर जो है नए नए विचार प्रस्तुत होने लगे। तो प्राचीन राजतंत्र की तो समाप्ति हो गई और अब जो राजतंत्र आएगा वो संवैधानिक रूप से जो है कार्य करेगा बाकायदा एक संविधान सभा होगी उसके अनुसार सारे जो है कानून बनाए जाएंगे और उनका पालन सबको करना पड़ेगा। तृतीय स्टेट को जो अधिकार मिलने लगे जो तीसरा वर्ग था उसको अधिकार की बात हुई और फ्रांसीसी क्रांति ने एक काम और किया कि जहां जहां उपनिवेश थे जैसे कि अपन अगर भारत की बात करते हैं तो ऐसे जो गुलाम बना लेते हैं कोई देश किसी देश को ये उपनिवेश कहलाते हैं तो उपनिवेशों को आजादी की बात हो गई सामंतवादी विचारधारा का अंत करने की बात हो गई। तो इसका असर भारत और अमेरिका जैसे लोकतंत्र वाले जो देश हैं उनके ऊपर भी पड़ा। तो ये क्रांति एक तरह से पूरे विश्व में एक प्रेरणा के स्वरूप में काम आई पुनर्जागरण के रूप में काम आई और इसने एक पूरी दुनिया में एक कहते हैं ना मील का पत्थर के रूप में मतलब एक प्रेरणादायक रूप में उसमें यहाँ पे लोगों को क्या मिला एक मार्ग मिल गया अपने अधिकारों को पाने के लिए। तो ये इसमें यहाँ पर आपको आज मैंने बताया फ्रांसीसी क्रांति का थोड़ा सा और उसके कारण क्या रहे आगे टॉपिक पर अपन अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे।